मित्रों ओम नमः शिवाय जय श्री राम। मित्रों ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और इसे बहुत प्रभावशाली माना जाता है। बताया जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए उपाय भी बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। खास तौर पर धन प्राप्ति के लिए सूर्य ग्रहण के ठीक बाद उपाय किए जाएं तो उनसे बहुत शीघ्र लाभ होने की मान्यता है। इसलिए कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के ठीक बाद धन आगमन के लिए ज्योतिष शास्त्र के उपायों को अपनाया जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन उपायों को करने वाले धन से घर में बरकत आती है। तो मित्रों पहला उपाय है, सूर्य ग्रहण की अवधि समाप्त होने के बाद स्नान करें। इसके बाद माता महालक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि वह आपके घर परिवार में आए और बरकत के रूप में हमेशा के लिए आपके घर में वास करें। साथ यह भी कहें कि कभी भी देवी आपसे रुष्ट ना हो और इस घर में कभी अपना अलक्ष्मी रूप ना दिखाएं। दूसरा उपाय है मित्रों, एक कमल के फूल पर कुमकुम लगाकर उसे बहते पानी में डालें। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करें इस फूल के साथ अपने घर परिवार के सभी दुख दर्द संकट और दरिद्रता भी दूर हो जाए। साथ ही आपके घर में खुशियों का वास हो और किसी भी स्थिति में आपके परिवार के सदस्यों पर से देवी महालक्ष्मी की कृपा दूर ना हो। तीसरा उपाय है मित्रों, एक कटोरी आटा, एक कटोरी चावल, एक कटोरी काली उड़द की दाल और कुछ पैसे लेकर उसे अपने हाथ में लेकर ईश्वर का ध्यान करते हुए कहें, हे प्रभु, हे सूर्य, ग्रहण हमारे और हमारे परिवार के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला साबित हो। साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि आपको इस सूर्य ग्रहण के अशुभ फल कभी ना सताए। तीसरा उपाय है मित्रों, अपने परिवार सहित भगवान श्री हरि और माता तुलसी के नामों का जयकारा लगाते हुए उनके नामों और मंत्रों का श्रद्धा सहित पाठ करें। बताया जाता है कि यह बहुत सरल और कारगर उपाय है। इस उपाय को करने से बहुत जल्द घर में धन आगमन के योग बन जाते हैं। तो मित्रों आपको इस वीडियो में ये कुछ सूर्य ग्रहण के दौरान किए जाने वाले उपाय बताए हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।